अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वाह दुआ वाह, अगर सारी माएं आपके जैसे अपनी बेटी की वकील बन जाए और उसकी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए कुरान जैसी मुकद्दस किताब बीच में ले आए तो उस पर मातम मनाने के सिवाय किया भी क्या जा सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी बहुत ही शरीफ जादी है ना, तो उससे पूछिए इतनी रात में घर की दहलीज लांग कर किससे मिलने गई थी। इबादत को तुम्हें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे किसी सवाल का जवाब इबादत नहीं देगी बल्कि कोई और ही देगा। कौन देगा? मेरे अलावा कौन जवाब देगा? अम्मी किसकी बात कर रही है? अम्मी मन्नत के रूम की तरफ क्यों जा रही है? कहीं अम्मी को पता तो नहीं चल गया कि मन्नत गई थी फरहान से मिलने? अम्मी तो अम्मी आखिर करना क्या चाहती हैं? क्या सच में इबादत बेकसूर है? अगर इबादत ने कोई गुनाह नहीं किया तो वो खामोश क्यों है? अम्मी अम्मी प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। छोड़ो मेरा हाथ, आज सबके सामने सच्चाई का आना बहुत जरूरी है। कुछ बताना था ना मुझे? चलो सबके सामने बोलो क्या बोलना चाहती थी। अम्मी मन्नू की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करने दीजिए प्लीज। पीछे रहो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ था रात में बोलो मन्नत। क्या बोलेगी बेचारी, क्या सुनना चाहती हूँ इससे? तबीयत तो देखो मेरी बच्ची की, अभी अभी अस्पताल से आई है। क्यों परेशान कर रही हो इसे? परेशान मैं इसे कर रही हूँ? इसने सबको परेशान कर रखा है। आप जिसे मासूम कह रही हैं ना अम्मी, वो एक नंबर की झूठी है। हमारे लाड प्यार ने आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। किस नुकसान की बात कर रही हो तुम? आखिर क्या किया है इसने? क्या किया है इसने? हाँ जी, आपकी मासूम बच्ची खुद बताएगी। बोलो मन्नत, बोलो मन्नत। तो अम्मी सच सच बताओ मन्नत, जो इल्जाम इबादत पर लगाए जा रहे हैं, जो कीचड़ इबादत पर उछाला जा रहा है, जो गालियां इबादत को दी जा रही हैं, जिस लड़के को इबादत का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है वो कौन था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, कौन था वो? उस लड़के से मिलने इबादत गई थी या कोई और? बोलो मन्नत। बोलते क्यों नहीं हो, बताओ सबको। अम्मी हम मनु की तबीयत ठीक नहीं है। मनु चलो चलो कमरे। खबरदार जो बीच में आई। जब मैं बोलूंगी तो सिर्फ
मैं बोलूंगी। तुम्हें किसने इजाजत दी है जो तुम हमारे बीच में बोल रही हो? अम्मी, अम्मी, जाने दीजिए ना, प्लीज। इबादत, चुप हो जाओ। मैं तुमसे मशवरा नहीं मांग रही हूँ। खबरदार जो बीच में बोला। पूरा मदद जवाब दो। जवाब दो, कौन था वो लड़का? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। कौन था वो? बोलो, कौन था वो लड़का? किसका दोस्त था वो? हाँ, इबादत का दोस्त था। वो लड़का इस घर में इबादत से मिलने आता था या किसी और से? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। अम्मी, खबरदार। रहने दे इबादत। छोटी छोटी गलतियों को छुपाना अलग बात है, मगर आज मन्नत ने जो किया है वो बहुत बड़ी गलती है। अगर आज तूने उसे बचाया ना तो उसका हौसला बढ़ेगा। तेरी अम्मी जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, उसे करने दे। मैं कुछ पूछ रही हूँ ना मन्नत? जवाब दो, कौन था, वरना मैं मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उतार दूंगी। बोलो। होश में हो? क्या कर रही हो? अभी अभी अस्पताल से लौटी है मेरी बच्ची। सब जानते हैं कि वो लड़का कौन था, तुम मन्नत से क्यों पूछ रही हो? मैं इससे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसने खुद को ही खतरे में नहीं डाला, बल्कि अपनी नेक बहन की इज्जत को भी खतरे में डाल दिया। बोलो मन्नत, कौन था वो लड़का? किससे मिलने आता था? मेरे सर की कसम। सच सच बता, वरना तुम अपनी अम्मी का मरा मुंह देखोगी। बोलो मन्नत। लगता है मेरी बेटी को अब अपनी माँ से मोहब्बत नहीं रही। इसे इसकी माँ का मरना मंजूर है, लेकिन सच्चाई जाहिर करना मंजूर नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।